हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अनविंस फॉर्मूला को देखा था और अगर जो कवर प्लेट का थिकनेस आपको नहीं दिया हुआ है तो उसको भी हम लोग कवर किए थे। इस लेक्चर में जो है हम लोग एक न्यूमेरिकल्स है, बेसिकली अब जो हमारा रिबेट का जो भी न्यूमेरिकल्स है, एक इसेंट्रिक पार्ट को छोड़कर जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको हम लोग एक बाय एक जो है कर लेते हैं। तो सबसे पहला अगर जो न्यूमेरिकल्स है उसको मैं अगर जो पढ़ूं तो वो क्या है, डिटरमाइन द रिबेट वैल्यू। मुझे क्या कह रहा है कि इसमें डिटरमाइन करना है, क्या सब चीज हम लोग को डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द रिबेट वैल्यू, मुझे रिबेट वैल्यू कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमको इफिशियंसी कैलकुलेट करना है। हमें ये तीन चीज मालूम करनी है। कंडीशन दिया हुआ व्हेन इट टू प्लेट्स आर कनेक्टेड, दो प्लेट्स को कनेक्ट करना है, हैविंग क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन है दोनों प्लेट का वो दिया हुआ है 250 × 18 mm। ज्वाइंट जो है वो क्या है, ज्वाइंट इज डबल कवर बट ज्वाइंट, ज्वाइंट जो है हम लोगों का वो डबल कवर बट ज्वाइंट है। ये मार्क करने वाली बात है कि डबल कवर बट ज्वाइंट आपको बनानी है। जो भी चीज आप निकाल रहे हो इसी ज्वाइंट के लिए निकाल रहे हो, क्योंकि आपने बेसिकली जो रिबेट में है वो यही पढ़ा है कि मुझे ज्वाइंट बनानी है और ज्वाइंट की हर चीज जो हम लोग कर रहे हैं तो वो ज्वाइंट के लिए ही करते हैं। और हम लोग को यूज करने बोल रहा है, यूज पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिबेट। पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिबेट के लिए जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, बियरिंग स्ट्रेंथ है रिबेट का, वो सब मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, शेयरिंग और बियरिंग वाला, और टेंसाइल स्ट्रेस जो है सॉफ्ट रिबेट का, तो वो बिगनिंग में ही मैं कराया था, तो वो वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर डिटरमाइन करना है रिबेट वैल्यू, तो एक्चुअली में रिबेट वैल्यू क्या होता है, अगर हम लोग बोले कि रिबेट वैल्यू क्या होता है बिफोर सोल्यूशन, अगर हम लोग ऐसी अंदाजा लगाए कि रिबेट वैल्यू क्या होता है, वो होता है मिनिमम किस चीज का, मिनिमम ऑफ एफएस और एफबी, स्ट्रेंथ ऑफ रिबेट इन शेयरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ रिबेट इन बियरिंग। ये मिनिमम वैल्यू जो दोनों में है वो रिबेट का वैल्यू हो जाता है, रिबेट वैल्यू। और अगर जब रिबेट स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट की अगर जब बात करें तो वो क्या था, मिनिमम होता है किन किन चीजों का, मिनिमम ऑफ एफएस, एफबी और पीटी, ये क्या था, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। और इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी होती है स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट जो आप निकाल रहे हो, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट जो मिनिमम इन तीनों में आएगा। बाय में क्या करना है हम लोगों को, जिसके रिगार्डिंग हम लोग निकाल रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट की अगर जब बात करें, प्योर स्ट्रेंथ जिसको हम लोग बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट ये बोल सकते हैं, और इनटू 100 करेंगे तो ये वैल्यू हमको परसेंटेज में आ जाएगा। मान लीजिए आपको कहा जाता है ना कि जो आप किसी चीज को अगर जो निकालते हो, जैसे परसेंटेज आप निकालते हो, तो 40 का अगर जो आप परसेंटेज निकालना 100 में, तो आप क्या करते हो, 40 ऊपर लिखते हो, 100 नीचे लिखते हो और इनटू 100 कर देते हो, तो ये 40% हो जाता है। तो उसी तरीके से इफिशियंसी परसेंट में आएगा और उसको हम लोग निकालेंगे जो वैल्यू के रिगार्डिंग हमको कैलकुलेट करने बोल रहा है, ये वाली वैल्यू जैसे स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट सॉलिड प्लेट के रिगार्डिंग, और जो स्ट्रेंथ मुझे आया उसको। अब हम लोग अगर जो एक बाय एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़े, तो हमारा सॉल्यूशन क्या कहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल कवर बट ज्वाइंट बनाएंगे। डबल कवर बट ज्वाइंट मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कुछ इस प्रकार से होता है। आपको क्या करना है कि दो इंड टू इंड जो है स्टील मेंबर को विद द हेल्प ऑफ कवर प्लेट आपको क्या करना है, एड करना है। मान लेते हैं ये मेरे पास दो कवर प्लेट है, दो स्टील मेंबर है, सॉरी मैं कवर प्लेट बोला, दो स्टील मेंबर है, और इसमें क्या करना है मुझे, कवर प्लेट यूज करना है। कवर प्लेट यूज किए, दोनों साइड से कवर प्लेट बोला था, दोनों साइड से किए, और इसमें हम लोग को नंबर ऑफ रिबेट नहीं बोला है कुछ भी, तो हम नंबर ऑफ रिबेट मान लेते हैं 1 है, ताकि हमको न्यूमेरिकल्स बनाने में सहूलियत हो। मान लेते हैं कि हमारा जो रिबेट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे रिबेट जो लगाया वो रिबेट, नंबर ऑफ रिबेट कितना है, नंबर ऑफ रिबेट 1 है। इस कुछ इस प्रकार से आपका ज्वाइंट होगा, तो आपको जो इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन कितना है 250 × 80, तो मान लेते हैं ये आपका अगर जब स्टील मेंबर है तो वो ये वैल्यू 250 है, और ये वैल्यू कितनी है, इसकी हाइट जो है वो 18 mm दिया हुआ है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 mm हो जाएगी, 18 mm। और आगे क्या है हम लोगों को, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आगे जो है सिर्फ हमें अब फाइंड आउट करने हैं। तो अगर जब मैं रिबेट वैल्यू की बात करूं, सबसे पहले मैं रिबेट वैल्यू की अगर जब बात करूं, सबसे पहले आपको
तो वो क्या हो जाएगा, डिवेट वैल्यू होती है मिनिमम ऑफ शेयरिंग फोर्स और बियरिंग फोर्स, मिनिमम लेना है दोनों का, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मिनिमम अगर जो एफ एस हम लोग निकाले तो स्ट्रेंथ पहला नंबर में हमें कैलकुलेट करना है, स्ट्रेंथ ऑफ रिबेट इन शेयरिंग, हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, स्ट्रेंथ ऑफ रिबेट इन शेयरिंग, शेयरिंग में ही हम लोग को ये दोनों वैल्यू लानी है सबसे पहले, तभी जाकर हमको रिबेट वैल्यू मालूम होगा। स्ट्रेंथ ऑफ रिबेट इन शेयरिंग का फॉर्मूला अगर जो एफ एस बराबर क्या हम लोग लिखते थे, एन इंटू एन डैश टॉ वी एफ, परमिशेबल स्ट्रेस की वैल्यू ये हो गई, और इंटू एरिया करना है, तो एरिया अगर जो हम लोग करते थे तो सर्किल के लिए क्या आ जाता था हम लोग का, पाई बाय 4 इंटू डी नॉट का स्क्वायर, ये वैल्यू आती थी। अब यहां पे आप देखो ये एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ रिबेट है, ये एन डैश क्या है, नंबर ऑफ शेयर प्लान, तो नंबर ऑफ शेयर प्लान इसके लिए आप बताओ कितना है, नंबर ऑफ शेयर प्लान, तो ये चीज मैं आपको बताया हूं, अगर से डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालना तो वो क्या होता है कि जितने प्लेट्स होते हैं नंबर ऑफ प्लेट्स माइनस वन कर दो, ये ऊपर वाला एक कवर प्लेट, ये दो कवर प्लेट, और ये मेन जो है स्टील मेमोरी जो कॉम्बिनेशन है ये, तो एन डैश कितनी हो जाएगी इसमें, 3 - 1 नंबर ऑफ प्लेट माइनस वन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और ये अब आप यहाँ पे देखो, गौर करने वाली बात है कि आपके पास एन है, नंबर ऑफ रिबेट क्या मान लिए, एन क्या है 1 है, एन 1 लेके चले हैं, एन कितना लिए हम लोग, एन 1 लिए हैं, उसके बाद जो है एन डैश मालूम हो गया, निकाल लिए हम लोग टॉ वी एफ, अगर जो हम लोग टॉ वी एफ की अगर जो बात करें, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जो होती है हमारी शेयरिंग स्ट्रेंथ, ये हम लोग सॉफ्ट रिबेट के लिए वो कितना होती है, 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये वैल्यू हमें मालूम है, पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, वो वैल्यू भी मालूम है। अब एक बात बताओ मुझे, डी नॉट के बारे में यहाँ कुछ कहा गया क्या, नहीं कहा गया है, तो डी नॉट नहीं कहा गया तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ अब थिकनेस का ही हम लोगों को काम करना पड़ेगा, ना कवर प्लेट का थिकनेस हम लोग को दिया हुआ, जब कवर प्लेट का यूज होगा तो उसको भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे ये वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू के लिए आपके पास एक अनविंस का फॉर्मूला है जो पिछले लेक्चर में मैं कराया हूं, तो 4 अगर जो इसी पे लिख लें आप नीचे में 4 डी नॉट के लिए क्या हो जाएगा, वी हैव अनविंस फॉर्मूला, बेसिकली आप डी नॉट नहीं, आप एक्चुअली में डी निकालते हैं ना अनविंस फॉर्मूला के द्वारा, फॉर डी, तो डी नॉट क्या हो जाता है, डी नॉट अगर जब 25 एमएम तक आपका ये वाली वैल्यू दी हुई है, जो वैल्यू आपकी ये है 25 एमएम तक अगर जो रहता है, तो डी नॉट डी की वैल्यू मीन्स आपकी जो डी आएगी, डी की वैल्यू अगर जो लेस देन और इक्वल टू 25 एमएम रहता है, तो हम लोग ग्रॉस डाया जो डी नॉट निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, 25 + 1.5 करते हैं, और अगर जो इससे ज्यादा वैल्यू आ जाती है तो हम लोग यहाँ क्या ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं, तो डी नॉट क्या होता है आपका, ये डी नॉट होता है डी, इस केस में जो लाएंगे डी प्लस 1 या 2 आएगा, तो हम लोग देखते हैं एक्चुअली में डी क्या होता है, अनविंस फॉर्मूला के द्वारा क्या कहता है आपका कि जो हमारा जो है 6 डी इज इक्वल टू होता है 6.01 इंटू रूट अंडर टी, ये आएगा आपको 6.01 इंटू रूट अंडर टी, तो अगर जब मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो वो कितना हो जाएगा, ये डी जो है आपका 6.01 इंटू रूट अंडर टी, 6.01 इंटू रूट अंडर टी कितना हुआ है, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट टी मेन, ये वाली प्लेट का मेन प्लेट का थिकनेस ऑफ मेन प्लेट ये कितनी हो जाएगी, 18, तो ये वैल्यू निकालते हैं हम लोग कितना होता है 6.01 इंटू, आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए, रूट अंडर 18, तो ये हो जाएगा 25.498। तो मैं ये भी आपको बताया हूं ये लगभग 25.5 के बीच में आएगा आपका वैल्यू 25.5, तो आपको करना क्या है ना कि ये वैल्यू ना लाके आपको ये 26 ना लिख के आपको क्या लिखना है कि लेसर वैल्यू लिखनी है, तो आप इसको इक्वेट कर दो 25 से, ठीक,
अब आपको 25 आ गया। जब 25 आया तो आपको क्या ऐड करना है, 1.5 करना है, क्योंकि ये वाली वैल्यू जब आती है 1.5 हम लोग ऐड करते हैं। तो अब हम लोग डी नॉट के लिए क्या करेंगे, डी प्लस 1.5 कर देंगे। तो डी नॉट की वैल्यू हम लोगों को यहां से कितनी आ गई, डी नॉट की वैल्यू आ गई 25.1.5। ये कितना हो गया, 26.5 mm। डायमीटर हमारा ग्रॉस डाया ये आ गया हम लोगों को, तो ये ग्रॉस डाया यहां पुट करते हैं तो fs की वैल्यू क्या हो जाएगी, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबेट, ठीक, वो कितना हो जाएगा, n की वैल्यू, नंबर ऑफ रिबेट की वैल्यू 1, एंड s की वैल्यू आपको जो है ये 2, और टॉप vf की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको इस केस के लिए 100 pi/4 as usual उसको लिख दिए, और d नॉट का स्क्वायर 26.5 का स्क्वायर करना है, ठीक। तो ये वाली वैल्यू आपकी कैलकुलेट कीजिए आप लोग भी, 1 into 2 ये वाली वैल्यू आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए और मेरे साथ मैच कराइए कि सही है कि नहीं है आपका। ये वाली वैल्यू आ रही है 110309.17। ये किस में आ रहा है आपको, न्यूटन में आ रहा है, तो इसको हम लोग किलो न्यूटन में कर लेते हैं, तो बाय 1000 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये किलो न्यूटन में वैल्यू आ जाएगी, तो 1000 करेंगे तो कितना जाएगा, 1110.3 किलो न्यूटन। तो आपका ये वाली वैल्यू आप एक जगह पे इसको साइड में कहीं पे लिख लो, क्योंकि स्पेस मेरे पास थोड़ा कम है, तो मैं ये एफ एस की वैल्यू कहीं पे लिख लेता हूं। मान लेते हैं यहां पे हम लोग इस प्रकार से एफ एस की वैल्यू क्या आ गई, 110.3 किलो न्यूटन एफ एस की वैल्यू आ गई। अब मुझे एफ बी की वैल्यू चाहिए, बियरिंग स्ट्रेंथ अब आपको चाहिए, तो ये वाली इसको मैं इरेज कर दूं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, डी नॉट क्या था आपका, डी नॉट आया था 26.5 ना, ठीक। तो अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शेयरिंग आ गया, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग अब हम लोग निकालते हैं दूसरे नंबर में, इन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग अगर जब हम लोग बात करें, एफ बी क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस इनटू एरिया, तो नंबर ऑफ रिवेट तो आएगा ही, उसके बाद अगर जब परमिसिबल स्ट्रेस की बात करें टाउ पी एफ ये बात करें, और हम लोग जानते हैं कि आपको सॉफ्ट रिबेट के लिए 100, 100 और 300 वाली वैल्यू थी, ये तो आपको पता है, क्या आपको पता है ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, तो मैं याद रखने बोला था आपको टी एस बी, ये बियरिंग के लिए आपको 300 यहाँ पे टॉप पी एफ की मान 300 यूज करना है, नंबर ऑफ रिबेट इंटू परमिसिबल जो आपको परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू तो आपका हो गया, अब इंटू एरिया करना है, तो एरिया क्या होगा यहाँ पे, मान लेते हैं आपका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, डी नॉट इंटू टी हो जाएगा, बियरिंग स्ट्रेंथ जो हम लोग निकालते हैं कुछ इस प्रकार से निकालते थे ना, ये वाली अगर जब हम लोग होल की मान लेते थे डी नॉट, और ये वाली वैल्यू अगर जब टी हो जाती थी, तो लेकिन यहां पे हम लोग क्या करते हैं ना, डी नॉट इंटू टी मिनिमम करते हैं, क्या करते हैं टी मिनिमम, अब जो आपको डी नॉट इंटू टी मिनिमम करना है तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी बियरिंग में। तो अगर जब हम लोग देखते हैं टी मिनिमम एक्चुअली में होगा क्या, तो हम लोग जानते हैं टी मिनिमम क्या था, कि आप ये टी वन अगर जो थिकनेस ऑफ प्लेट जो है कवर प्लेट जो अपर वाली है उसको टी वन मान रहे हैं, इसको टी टू मान रहे हैं, और ये वाली वैल्यू को आप इसका जो थिकनेस ये टी थ्री मान रहे हैं, टी थ्री आपको कितना दिया हुआ 18, ये आपको मालूम है मेन प्लेट का, टी वन और टी टू नहीं दिया हुआ है। तो पिछले लेक्चर में मैं ये भी बताया हूं कि जब आपको कवर प्लेट की थिकनेस नहीं मालूम होती है और मेन प्लेट की थिकनेस सिर्फ मालूम होती है, तब आपको क्या करना है, तब उस केस के लिए आपको क्या करना होगा कि जो है हमारा उसके लिए आपको क्या करना था 5/8 क्या करना था, टी वन और यहाँ टी टू दोनों क्या है सेम है, क्योंकि मुझे कुछ कहा नहीं गया है, तो टी वन और टी टू को मैं मान लेता हूं सेम है, और इसको निकालने के लिए 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ मेन प्लेट
वो कितना हो जाएगा 5/8 इंटू, अगर जब हम लोग थिकनेस ऑफ मेन प्लेट करें तो वो कितना है 18 है, तो हमारी ये वैल्यू कितना हो जाएगी 5/8 इंटू 18, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 11.25 mm। तो हम लोग क्या करते थे, टी मिनिमम निकालने के लिए, टी मिनिमम निकालने के लिए T1 प्लस T2 और T3 में कंपेयर करते थे, और जो मिनिमम होता था वैल्यू वही हमारा क्या हो जाता था टी, जो हमारा टी मिनिमम हो जाएगा। तो अगर जब हम लोग 11.25 और 11.25 ये दोनों वैल्यू को जोड़े तो कितना हो जाएगा 22.5 ना, 22.5, ये वाली वैल्यू 22.5 और T3 18। तो इस वाले वैल्यू में छोटा कौन वैल्यू है 18 है, ये वाली वैल्यू 18 हो जाएगी 18 mm। तो थिकनेस जो है आपका मिनिमम थिकनेस वो कितना हो गया 18 हो गया। तो n के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो 1 लेके जा रहे हैं हम लोग, और tau pf की मान 300, d नॉट की मान हम लोग निकाल चुके हैं 26.5, और थिकनेस मिनिमम थिकनेस जो है वो कितना था हम लोग का 18 mm। चलिए आइए इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए, 1 × 300 × 26.5 × 18 ये कितना हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा 143100 न्यूटन। तो इसको किलो न्यूटन करने के लिए 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 143.1 किलो न्यूटन। ये आपको एफ बी मालूम चल गया, वो कितना है 143.1 किलो न्यूटन। तो यहां से आप जो है रिवेट वैल्यू अगर जब बताना चाहो तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमम इन दोनों में से कौन हो गया, एफ एस हो गया। तो मिनिमम आपका जो रिवेट वैल्यू जो है इस ज्वाइंट के लिए वो कितना हो जाएगा 110.3 किलो न्यूटन, ये आपको मालूम चल गया। अब हम लोग जो स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट निकालते हैं उसके लिए जो आपको ये तीनों वैल्यू निकालना पड़ता है, और जब आप ज्वाइंट करते हैं ज्वाइंट बनाते हैं तो आप होल वाला बनाते हैं, और ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट जो है तब निकालेंगे जब हमें इफिशियंसी निकालने के लिए कहा गया। लेकिन इसमें जब स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट निकाले, ज्वाइंट मीन्स आपने प्लेट में होल की होगी, तो आप लोग जो है वहां पे कंसिडर करना है कि प्लेट का जो हम लोग स्ट्रेंथ माने टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट मानेंगे, तो वहां हम लोग जो डाया लेंगे वो किस चीज का लेंगे, हम लोग का कवर प्लेट ये जो है होल वाला डाया लेंगे। तो उसको हम लोग देखते हैं, 3 नंबर में अगर जब कैलकुलेट करें तो वो क्या है, आपको टी मिनिमम वो मालूम चल गया था 18, ठीक है। अब आपको निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट के लिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पीटी निकालना पड़ेगा। तो पीटी क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालनी है। तो आप यहां पे क्या करोगे, पीटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको जो है निकालना क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका स्ट्रेस है इनटू एरिया करते हैं तभी हमारा जो क्या है जो भी वैल्यू स्ट्रेंथ की वो आती है। तो अगर जब हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट टाउ सिग्मा एटी होता है ना, सिग्मा एटी इंटू एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा आपको जो है कवर वाली निकालनी है, मतलब जिसमें आपने होल किया। तो मेन एरिया होता है आपका, अगर जो बात करें मेन एरिया होता है इस प्रकार से, ये वाली अगर जो वैल्यू डी नॉट हो जाएगी और ये टी हो जाएगा, तो डी नॉट इंटू टी करते हैं। लेकिन अगर जब कुछ नहीं हमको मालूम है तो अगर जब हम लोग निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, बी इंटू टी निकालते हैं, और आपको माइनस क्या करना है इसमें से, डी नॉट इंटू टी माइनस करना है। तो इसी को ना हम लोग लिखते थे सिग्मा ए टी इंटू बी, और टी को कॉमन लेते थे, और उसके बाद जो हम लोग बी माइनस डी नॉट, और ये यहाँ पे एन लिखते थे, क्यों, क्योंकि आपने नंबर ऑफ होल कितने किए हैं, मीन्स आपका नंबर ऑफ रिवेट है वो कितना लेना है, तो यहाँ पे एन भी रहता था बेसिकली, ठीक।
तो एन डी नॉट हो जाता, लेकिन यहाँ पे एन से कोई फर्क हम लोग को पड़ने वाला नहीं है क्योंकि एन की मान वन है। तो हम लोग सिग्मा ए टी अगर जब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट बात करें तो जैसे हम लोग टी एस बी लिखते थे तो 100 100 और बी बियरिंग के लिए 300 आता था, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। लेकिन अब आपको जो सिग्मा ए टी है ये तो टेंसाइल स्ट्रेस निकालते थे ना, वहां पे हम लोगों को स्ट्रेंथ निकालना है। तो सिग्मा ए टी क्या होता है ये भी मैं आपको बताया था, सिग्मा ए टी होता है 0.6 इंटू एफ वाई। माइल्ड स्टील के केस में अगर जब हम लोग बात करें तो एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाती है 250 होती है। हम लोग मान लेते हैं कि ये वैल्यू आपको लेट करनी पड़ जाएगी कि एफ वाई की मान हम लोग 250 ले रहे हैं। सिग्मा ए टी क्या है आपका, ये वाली स्ट्रेंथ निकाली है तो स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6 इंटू एफ वाई, कितना हो जाएगा एफ वाई हो गया 250 और टी आपको दिया हुआ है। तो ये वाली जो टी है ये कौन सी टी हो जाएगी, टी मिनिमम मिनिमम वाली टी हो जाएगी, मिनिमम वाली टी हो जाएगी, तो वो कितनी 18 ठीक। और आपका क्या है 18 बी कितना है आपको बी दिया हुआ 250 250 डी नॉट कितना है 26.5 और एन की मान 1 है। इसको हम लोग निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा, चलिए कैलकुलेट कीजिए उसको। ये कितना है 250 इंटू में है आपको 18 250 माइनस 1 इंटू डी नॉट 26.5 तो ये वैल्यू आपको कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 603 न्यूटन। तो किलो न्यूटन में इसको करने के लिए आप कितना कर लोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे तो वो कितना आ जाएगा 603.45 किलो न्यूटन। ये वाली वैल्यू भी आपको पता चल गया, तो पीटी का वैल्यू भी आपको पता चल गया, ये कितना है 603.45 किलोमीटर ठीक। अब आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू तो आपको दोनों मालूम चल गया, अब इफिशियंसी में स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट भी आपको तो पता चल गया ऊपर वाला, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट आपको नहीं मालूम चला है। चलिए आइए स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालते हैं, ये वाला इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप इसको लिख लीजिए। सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट की अगर जब हम लोग बात करें तो वो क्या था कि हमारा जो जो हमारा वैल्यू था वो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट में, तो सॉलिड प्लेट के लिए हम लोग क्या मानते हैं ना कि मान लीजिए आपको सॉलिड प्लेट कोई दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको प्लेट दिया हुआ है तो वो कितना है 250 और 18 mm का दिया हुआ है ठीक। तो परमिसिबल स्ट्रेस इनटू एरिया अगर जब कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, ये स्ट्रेंथ वाली वैल्यू हो जाएगी स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। अगर जब पीटी सॉलिड की बात करें, पीटी सॉलिड की, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपको सिग्मा एटी इंटू एरिया में क्या हो जाएगा 250 इंटू B इंटू टी हो जाएगा वो 18। तो सिग्मा ए टी क्या होता है 0.6 इंटू एफ वाई 250 लेके चले हैं एफ ई 250 और ये जो है 0.6 आपको ये वाली वैल्यू कितना है 250 ये भी है और इंटू 18 है, ये वाली वैल्यू आपको क्या आ जाएगा इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं 0.6 इंटू 250 इंटू 250 इंटू 18 ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपको 675000। ये न्यूटन में है, इसको हम लोग अगर से कैलकुलेट करें 1000 से डिवाइड कर देंगे इस प्रकार से किलो न्यूटन हो जाएगा, ये तीन जीरो कट जाएगा 675 किलो न्यूटन। ये वाली वैल्यू भी आपको पता चल गया, ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ये वाली वैल्यू आपको कितना आ गया 675 किलो न्यूटन।
अब आपको तो कुछ निकालना नहीं है, सब चीज आपके सामने है, बस उसको आप एकदम रख दो और डायरेक्ट आपका वैल्यू आ जाएगा। अगर जब मैं रिबेट वैल्यू की बात करूं, जिस प्रकार से यहां पे मैं मिटा देता हूं इसको, इसका काम हम लोग का हो गया। अगर जी यहाँ पे रिबेट वैल्यू की बात करूं तो वो क्या होगा, पहला नंबर में हो जाएगा हमारा क्या, अगर जो ए नंबर की बात करें सॉल्यूशन में, रिबेट वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ क्या एफ एस और एफ बी। तो मिनिमम ऑफ एफ एस की वैल्यू क्या है 110.3 किलो न्यूटन, और ये वाली वैल्यू क्या है आपको 143.1 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग मिनिमम वैल्यू ऑफ जो हमारा इसमें दोनों में से, तो रिबेट वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, रिबेट वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 110.3 किलो न्यूटन, रिबेट वैल्यू आपको आ गया। बी नंबर में हम लोग को क्या करना है, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट लिखना है, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। अगर जब आप इस प्रकार से करके बनाते हो ना, इस प्रकार से आपने लिख लिया कि मुझे क्या निकालना है, रिबेट वैल्यू अगर जो निकालने का रहा है क्या सब निकालना पड़ेगा, फिर आपका आसान हो जाता है, बहुत आसानी से आप न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट की अगर जब बात करें तो वो क्या है, मिनिमम ऑफ किस चीज का, मिनिमम ऑफ एफ एस एफ बी और क्या था तीसरा और पीटी। ये जो है स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट में, ये मैं आपको पिछले में भी बताया हूं, पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। अब आप कंफ्यूज नहीं कर जाना कि पीटी मुझे सॉलिड वाली लेनी है कि अब मुझे होल वाली लेनी है। तो आपको करना क्या है, आप ज्वाइंट बना रहे हो तो इट मींस आपने जब भी रिबेट डाला होगा तो आपने प्लेट में क्या किया होगा, होल किया होगा। अगर जैसा आपने किया है तो फिर आपको वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी, पीटी, वो वाली वैल्यू आपको होल वाली लेनी पड़ेगी। तो होल वाली कौन सी वैल्यू है आपका पीटी, ये वाली जो वैल्यू है 603.45 जो है किलो न्यूटन। तो एफ एस कितना है 110.3 किलो न्यूटन, और ये वाली वैल्यू क्या है 143.1 किलो न्यूटन, और ये वाली वैल्यू आपको क्या है पीटी 603.45 किलो न्यूटन। तो इसमें से मिनिमम खोजिए कौन सा है, इसमें से मिनिमम कौन सा हो जाएगा, 110 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 110.3 किलो न्यूटन। ऐसा नहीं है कि अगर जो इसका मिनिमम ये आ गया तो इसका भी यही आएगा, क्या पता प्लेट का स्ट्रेंथ मुझे कुछ इस प्रकार से आ जाता कि ये वैल्यू कम हो जाती, तब तो हमको पीटी कम लेके चलना पड़ता ना। तो 110.3 किलो न्यूटन ये वैल्यू भी मुझे मालूम चल गया। अब स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट आपको क्या हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट क्या हो गया, वो भी आ गया 110.3 किलो न्यूटन। अब सी नंबर में आपको क्या करने का रहा है, इफिशियंसी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, तो स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट 110.3 बाय में क्या है स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, वो कितना था 675 इंटू क्या करना है 100 करना है इफिशियंसी के लिए। इफिशियंट कितना है मतलब परसेंटेज में आपको बताना पड़ेगा, आपकी इंजन की इफिशियंसी क्या है, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो इंजन की इफिशियंसी वगैरह निकालना पड़ता है, इसको कैलकुलेट कीजिए 675 × 100 कीजिए, तो ये वाली वैल्यू आपको 16.34% मींस जो आपने ज्वाइंट बनाया है वो ज्वाइंट इफिशियंट कितना है 16.34 मींस ये कभी भी फेल कर सकता है आपका स्ट्रक्चर। ये अगर जाए इसकी इफिशियंसी कम है, बहुत कम है, लोअर इफिशियंसी है, लेकिन आपको ये न्यूमेरिकल्स था तो हमने कराया। आगे जो है आपको अगर जो है रिबेट वैल्यू अगर जो कहीं पे आ जाए तो आप आसानी से रिबेट वैल्यू को निकाल लोगे, और स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट की अगर जो बात करूं तो ये वाली वैल्यू हो गई, और इफिशियंसी क्या हो गया आपका वो आ गया 16.34। ये तीनों वैल्यू आपका हो गया। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को कीजिए। मेरे वीडियोस को आप लोग अगर जो पसंद कर रहे हैं तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कम से कम एक बच्चा भी अगर जो सब्सक्राइब करता है तो मेरा सब्सक्राइब काउंट फिर बढ़ेगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो और भी न्यूमेरिकल्स जो है उसको हम लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।